परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, आज मुझे आपके साथ बात करनी है, संवाद करना है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जो अपने भारत स्वाभिमान का मुख्य सिद्धांत है। और वो सिद्धांत है पूर्ण भारतीयता, पूर्ण पवित्रता और पूर्ण शुचिता। ये हमारे तीन मूल सिद्धांत हैं। मैं इसमें पहले बात करूंगा पूर्ण भारतीयता। इसका अर्थ क्या है? पूर्ण भारतीयता का सीधा सा सरल अर्थ है कि आप अपने जीवन में जो भी काम करें, वो सारे काम ऐसे हों जिससे भारत देश को लाभ हो, अपने देश को हानि हो, अपने देश को नुकसान हो, ऐसा कोई काम आप अपने जीवन में कभी भी ना करें। ये मोटी सी सीधी सी सरल बात है। हम हमारे जीवन में सवेरे से लेकर शाम तक जो भी छोटे बड़े काम करते हैं, उन सभी कामों पर आप ये नजर डालें कि कहीं गलती से कोई ऐसा काम तो आपके हाथों नहीं हो रहा है जिससे भारत देश का कोई बड़ी हानि हो रही हो या नुकसान हो रहा हो। ये सीधा सा मतलब है पूर्ण भारतीयता का, माने भारत, भारतीयता, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा जो कुछ हमारी है, इनका बढ़ावा करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए ही हमें अपने जीवन में काम करना है। इसमें शुरुआत कहां से होगी? तो इसकी शुरुआत होगी स्वदेशी के अनुपालन से। हम सभी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता अपने जीवन में शून्य तकनीकी से बनी हुई सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और उसके स्थान पर भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। यहां से इस सिद्धांत की शुरुआत होगी। आप अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी अपनी कोई चीज वस्तु खरीदें अपने उपयोग के लिए, वो भारतीय हो, स्वदेशी हो। यहां से इस भारतीयता के सिद्धांत की शुरुआत होगी। सवेरे सवेरे आप सोकर उठते हैं, आपको टूथपेस्ट चाहिए, कोशिश करें कि वो टूथपेस्ट आपका भारतीय हो, स्वदेशी हो। सवेरे सवेरे सोकर उठते हैं, वैसे तो मैं मानता हूं कि आप चाय कॉफी नहीं पीते होंगे, लेकिन अगर लत है और आदत है तो चाय कॉफी में भी कोशिश करें कि वो भारतीय हो, स्वदेशी हो, उसी का उपयोग करें। इसी तरह से आप स्नान करते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करते होंगे, तो कोशिश करें कि आपका साबुन भारतीय हो, स्वदेशी हो। अगर आप पुरुष हैं और दाढ़ी बनाते हैं, शेव करते हैं, तो शेविंग करते समय ध्यान रखें कि जो शेविंग क्रीम इस्तेमाल हो वो भारतीय हो, स्वदेशी हो। अगर आप स्नान करके बाथरूम से बाहर निकलते हैं और कोई कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विशेष रूप से बहनों से, माताओं से मेरी विनती है, भाइयों से भी है, कि जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करें वो भारतीय हों, स्वदेशी हों। इसी तरह आप अपने घर में खाने पीने के लिए जो वस्तुएं खरीद रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि वो स्वदेशी हों, भारतीय हों। आपके बच्चों के लिए कोई वस्तुएं खरीद रहे हैं, टॉफी है, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, वैसे तो इनका बहिष्कार करना ही अच्छा है, लेकिन अगर ये खरीदना ही है टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट्स, तो वो भी स्वदेशी हों, भारतीय हों। घर में सवेरे सोकर उठने से रात सोने तक जितनी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, इन सभी वस्तुओं को शून्य तकनीकी की वस्तुएं कहा जाता है, क्योंकि इन वस्तुओं को बनाने में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। ये साधारण तकनीकी से बनने वाली वस्तुएं हैं, जैसे साबुन है, दंत मंजन है, टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, टेलकम पाउडर है, वैनिशिंग क्रीम है, वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर है, क्लीनिंग पाउडर है। ये सब चीजें जो हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होती हैं, ये सब बहुत आसानी से बनती हैं, इनको बनाने में कोई बड़े मशीन की जरूरत नहीं होती है। तो लिहाजा हम इनका जब उपयोग करें और बाजार से इन्हें खरीदें, तो ध्यान रखें कि ये भारतीय हो, स्वदेशी हो, भारतीय कंपनियों की बनी हुई हो, स्वदेशी कंपनियों की बनी हुई हो, तभी इन चीजों को खरीदें और इनका उपयोग करें। आप पूछेंगे, जी क्यों, ऐसा क्यों करना है हमको? तो उसके पीछे एक गंभीर कारण है। हमारा भारत देश इस समय एक बहुत बड़े आर्थिक समस्या में फंसा हुआ है, और उस आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए हमें ये करना है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है जो आजादी के पिछले 63 वर्षों में पैदा हुई है। वो समस्या ये है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जब आजादी आई थी, तो आप सभी को मालूम है, एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भारत से भगाया था, तब हमें आजादी मिली थी। और उस विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमारे भारत के नागरिकों ने लगातार 1757 से 1947 तक संघर्ष किया था। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है,
कोलकाता के पास एक छोटा सा स्थान है, बहुत छोटा सा स्थान है। 1757 में वहां एक क्रांति शुरू हुई थी, उस स्थान का नाम है प्लासी। आप कभी कोलकाता जाएं तो देख आइए, बहुत छोटा सा गांव है प्लासी। इस प्लासी के मैदान में 1757 में एक क्रांति की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और ये क्रांति 1857 तक, फिर 1947 तक लगातार चलती रही थी। 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी वो सिराजुद्दौला नाम का एक व्यक्ति था, जो बंगाल का उस समय राजा हुआ करता था। उसने सबसे पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, और इस युद्ध में दुर्भाग्य से उसकी पराजय हो गई थी। पराजय होने का कारण ये था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो पैसे में बिक गया था और उसने भ्रष्टाचार कर लिया था। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। अंग्रेजों की तरफ से एक सेनापति आया था युद्ध लड़ने के लिए, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जब प्लासी का युद्ध लड़ने आया था तो उसके पास मात्र 350 सैनिक थे, और सिराजुद्दौला जो भारत की तरफ से अंग्रेजों से लड़ रहा था उसके पास 18,000 सैनिक थे। किसी भी भाई बहन से आप ये पूछें कि एक तरफ 350 सैनिक, दूसरी तरफ 18,000 सैनिक, युद्ध में कौन जीतेगा, तो आप कहेंगे जिसके पास 18,000 सैनिक हैं वही जीतेगा। लेकिन इतिहास की वास्तविकता कुछ दूसरी है। जिस सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे वो हार गया था, और जिस अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के पास 350 सैनिक थे वो जीत गया था, क्योंकि अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति को पैसे का लालच देकर, कुर्सी का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। और मीर जाफर के रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाने का दुष्परिणाम ये हुआ था कि मीर जाफर की सेना में बगावत हो गई थी और सैनिकों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो प्लासी के मैदान में अंग्रेजों की विजय हो गई थी और भारत हार गया था। उसी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया था। और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ऐसी नींव जमाई थी कि लगभग 1947 तक इस देश को वो लूटते रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी व्यापार करने के बहाने से। व्यापार करने में उनको इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, राज्य स्थापित कर लिया था। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य लगभग 1757 से 1947 तक चलता रहा था। तो ये 190 साल जो अंग्रेजों का राज चला उसमें उन्होंने भारत से खूब मुनाफा कमाया। उनका सामान बेचा अंग्रेजों का, इंग्लैंड का, और यहाँ से मुनाफा लेकर वो लंदन गए। परिणाम ये हुआ था कि भारत का सारा धन संपत्ति 190 वर्ष में भारत से अंग्रेजों ने लूटकर इंग्लैंड में जमा कर लिया था। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लैंड दुनिया का सबसे गरीब देश था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर वापस गई इंग्लैंड 1947 में, तो इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश हो गया। 190 साल में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे गरीब देश दुनिया का सबसे अमीर देश हो गया? कारण उसका एक ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो सामान बेचा, भारतवासियों ने उसको खरीदा, उपयोग किया, उसका मुनाफा अंग्रेजों को मिला, वो सारा मुनाफा लंदन चला गया, इंग्लैंड चला गया, तो हमारे देश का पैसा ब्रिटेन चला गया, हम गरीब हो गए और ब्रिटेन उस पैसे से अमीर हो गया। आपको सुनकर हंसी आएगी कि जब अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे तो इंग्लैंड में भूखमरी से लोग मर रहे थे, और इंग्लैंड का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि 16वीं-17वीं शताब्दी में वहां 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, जो इस समय की इंग्लैंड की जनसंख्या का लगभग 50% है। इस समय इंग्लैंड की जनसंख्या 6 करोड़ है, उसमें 3.5 करोड़ लोग उनके यहाँ भूख से मर गए थे। इतना गरीब देश था इंग्लैंड। उस गरीब देश को अंग्रेजों ने अमीर बना लिया भारत देश में व्यापार करके, और हम भारतवासियों की एक गलती वो हमको भारी पड़ गई, और वो गलती एक ही थी कि हमने अंग्रेजों की वस्तुएं खरीदी, उनका सामान खरीदा, उनको मुनाफा दिया, और उस मुनाफे से वो मजबूत होते गए और भारत पर 190 साल तो शासन किया और लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से लूट लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में जो व्यापार करती थी उस व्यापार से हर साल 70 करोड़ रुपए वो लूट के लेके जाते थे। उस जमाने का 1 रुपया अभी 300 रुपए के बराबर है। अगर इस आंकड़े को आप समझने की कोशिश करेंगे तो 70 करोड़ में 300 का गुणा करना पड़ेगा, लगभग 21,000 करोड़ रुपए हर साल वो भारत से लूट कर ले जाते थे, और ये लूट 190 वर्ष तक चलती रही।
आप अंदाजा लगाइए कितने लाख करोड़ रुपए इस देश का लूटा गया। फिर वही मैं बात कहना चाहता हूं कि हमसे एक ही गलती हुई थी कि हमने अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग किया और अंग्रेजी सामान का इस देश में व्यापार इतना बढ़ा कि हम गुलामी में फंस गए और ये देश कंगाल देश हो गया। अब 1947 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर चली गई थी, अब आजादी के 63 सालों के बाद ऐसी हजारों विदेशी कंपनियां फिर से भारत में आ गई हैं। हमने एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया 1947 में और हमारे देश में एक आंदोलन चला था सन 1942 में, जिस आंदोलन का नारा था भारत छोड़ो। हमने कहा अंग्रेजों से, हमने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत छोड़ो। अभी हमारे देश में बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि जो सरकारें चल रही हैं इस समय, हमारी केंद्र की सरकार है जो दिल्ली में, हमारे राज्यों की सरकारें हैं, ये राज्यों की राज्य सरकारें और दिल्ली की केंद्र सरकार, ये उल्टे रास्ते पर चल पड़ी है। और सन 1991 के साल से इस देश में सरकार ने एक नीति बनाई है और उस नीति का नाम अंग्रेजी में है ग्लोबलाइजेशन। उसी नीति को अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलाइजेशन, उसी नीति को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन माने निजीकरण। इस नीति के आधार पर क्या हो रहा है, भारत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं और हजारों विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया जा रहा है। जिस एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने में हमें 90 वर्ष लगे, उस भारत देश में इस समय 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस देकर बुला लिया है और इन विदेशी कंपनियों को व्यापार करने की वैसे ही छूट मिल गई है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की छूट मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में इस देश का राजा था, उसका नाम था जहांगीर। अगर आप मुगल साम्राज्य का थोड़ा अध्ययन करेंगे तो मुगल राजाओं में एक राजा हुआ करता था जहांगीर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया था और मरते समय जहांगीर ने ये बात कही थी कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल जो मैंने की वो ये कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दिया और मेरी इस गलती की सजा भारत की आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। और वो ये कह के मर गया था और उसने इस देश को गुलाम बनाने के रास्ते पर डाल दिया था। मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि जो गलती 17वीं शताब्दी में कभी जहांगीर ने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बुलाने की, वही गलती आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हजारों हजारों विदेशी कंपनियों को भारत में बुला रहे हैं। आप अगर नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ते हो, टेलीविजन पे न्यूज देखते हो, तो आपको एक न्यूज अक्सर दिखाई देती होगी कि आज इस राज्य के मुख्यमंत्री ने इतनी विदेशी कंपनियों से समझौता किया या आज भारत के प्रधानमंत्रियों ने इतनी विदेशी कंपनियों को व्यापार करने का लाइसेंस दिया। किसी दिन वो आंकड़ा होता है कि 50 विदेशी कंपनियों को लाइसेंस मिला, किसी दिन 100 होता है, किसी दिन 150 होता है, हर दिन सैकड़ों सैकड़ों विदेशी कंपनियों को भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा लाइसेंस दिए जा रहे हैं और देश को धीरे धीरे फिर गुलामी के रास्ते पर धकेलने की कोशिश हो रही है। जिन विदेशी कंपनियों को हमारे देश की सरकारों ने व्यापार करने के लाइसेंस दिए हैं उनके कुछ नाम मैं आपको सुनाता हूँ। एक विदेशी कंपनी है जो अमेरिका से आई है जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है व्यापार करने का, उसका नाम है पेप्सी कोला। दूसरी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है कोका कोला। तीसरी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। चौथी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। पांचवी अमेरिका की कंपनी, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। छठी अमेरिका की कंपनी, उसका नाम है पार्क डेविस। सातवीं अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है फाइजर। आठवीं अमेरिका की कंपनी, उसका नाम है एली लिली। और मैं आपको ये नाम गिनाता जाऊं, ये 5000 हैं। अगर नाम ही गिनाऊंगा तो 2-3 घंटे उसमें निकल जाएंगे। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबा गाएगी, सेंडोज, फेक्स, फाइजर, इन सारी की सारी विदेशी कंपनियों को सरकार ने व्यापार करने के लाइसेंस दे दिए हैं। अब इन कंपनियों ने भारत में आके व्यापार करना शुरू किया है और इन कंपनियों ने व्यापार करने के लिए कुछ कुछ स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं, वहां पर ये वस्तुएं कुछ बनाते हैं, उन वस्तुओं को भारत के बाजार में बेचते हैं। अब समस्या क्या आती है
कि इन विदेशी कंपनियों की वस्तुएं भारत में आसानी से नहीं बिक पाती हैं, तो ये विदेशी कंपनियां अपनी वस्तुओं का टेलीविजन पे विज्ञापन करती हैं और अंधाधुंध विज्ञापन करती हैं, धुआंधार विज्ञापन करती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि टेलीविजन सिर्फ विज्ञापन के लिए चलता है, विज्ञापन दिखाते दिखाते समय बच जाए तो उसमें वो न्यूज दिखाते हैं, विज्ञापन दिखाते दिखाते टाइम बचे तो उसमें सीरियल दिखा देते हैं। अगर आप न्यूज भी देखने के लिए बैठे किसी भी टीवी चैनल पर तो 2 मिनट न्यूज आती है, 3 मिनट विज्ञापन आता है, फिर 2 मिनट न्यूज आती है, फिर 3 मिनट विज्ञापन आता है, फिर 2 मिनट न्यूज आती है, फिर 3 मिनट विज्ञापन आता है। न्यूज विज्ञापन, न्यूज विज्ञापन, न्यूज विज्ञापन, न्यूज विज्ञापन, ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि न्यूज भूल जाती है, विज्ञापन याद हो जाता है। आप बोलेंगे क्यों होता है ऐसा? कारण उसका बिल्कुल सीधा सा ये है कि न्यूज हर समय बदलती रहती है, विज्ञापन सालों साल एक जैसा ही चलता है। और हमने घरों में देखा है अगर ध्यान से, तो हमसे ज्यादा विज्ञापन हमारे बच्चों को याद होते हैं। मैं कई बार स्कूलों में जाता हूँ छोटे छोटे बच्चों के पास उनके साथ संवाद करने के लिए, तो प्राइमरी स्तर के बच्चे, 5वीं कक्षा तक के बच्चे विज्ञापनों को खूब अच्छे से याद करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अपने माता पिता को मजबूर करते हैं यही चीज लाना जो विज्ञापन में देखा उन्होंने। अक्सर बच्चों से मैं पूछता हूं, तुम टीवी देखते हो? हाँ देखते हैं। क्या देखते हो? विज्ञापन देखते हैं। मैंने कई बार देखा है छोटे छोटे बच्चे जो मुंह से बोल नहीं सकते, इतने छोटे हैं, विज्ञापन जब टीवी पे आता है तो एकदम रैप्ट अटेंशन में उसको सुनते हैं और देखते हैं। अब बचपन से जो बच्चे बोलना नहीं सीखे उसके पहले विज्ञापन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो याद हो गया। याद हो गया तो फिर वही वस्तु वो खरीद कर लाते हैं, और दुर्भाग्य से वो वस्तु विदेशी कंपनी की होती है तो हमारे देश का पैसा हम किसी विदेशी कंपनी को दे आते हैं। जो गलती हमारे पूर्वजों ने की थी कि अपने देश का पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, वही गलती कमोबेश हम कर रहे हैं, हमारे घर का पैसा हम विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं। कैसे देते हैं ये पैसा, एक दो उदाहरण से समझाता हूं। आजकल टीवी में एक बहुत जबरदस्त विज्ञापन आता है, एक सिनेमा का एक्टर है आमिर खान, वो बहुत विज्ञापन करता है, ठंडा मतलब कोका कोला। हर बच्चा इस विज्ञापन को जानता है, उसको याद है। ये ठंडा मतलब कोका कोला बार बार लगातार बार बार लगातार जब बोला जाता है तो किसी के मन में आ ही जाता है, चलो कोका कोला पी के तो देखो आमिर खान कह रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वही विज्ञापन आता है और उसी पेप्सी कोला के लिए कोई सचिन तेंदुलकर कहने लगता है, फिर वही विज्ञापन आता है और राहुल द्रविड़ कहने लगता है, फिर वही विज्ञापन आता है कोई और सिनेमा का एक्टर संजय दत्त, आमिर खान, शाहरुख खान कहने लगता है, करिश्मा कपूर, करीना कपूर कहने लगती है। माने ये सारे सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, ये सबसे ज्यादा विज्ञापन अगर करते हैं तो पेप्सी और कोका कोला का, ये दोनों ही अमेरिकन कंपनियां हैं। अब भारत के जो बच्चे या नौजवान या बुजुर्ग क्रिकेट के दीवाने हैं वो राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर को देखकर पेप्सी और कोका कोला पीते हैं, और जो सिनेमा के दीवाने हैं वो आमिर खान, शाहरुख खान और करिश्मा कपूर और ऐश्वर्य रॉय को देखकर पेप्सी कोक पीते हैं। माने बचता कोई नहीं है, या तो क्रिकेट के दीवाने हैं लोग या सिनेमा के दीवाने हैं। भारत में आधे लोग क्रिकेट आधे लोग सिनेमा, झक मार के पेप्सी और कोका कोला में चले ही जाते हैं। हम जब ये विज्ञापन देखकर पेप्सी कोला पीते हैं तो बाजार से एक बोतल हम 10 रुपए की खरीदते हैं, कभी कभी वो 12 रुपए की आती है। पेप्सी कोला और कोका कोला कंपनियों की बैलेंस शीट में से जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि जो बोतल बाजार से हम 12 रुपए की खरीदते हैं, कभी कभी 5-स्टार होटल में तो वो 25 रुपए की मिलती है। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हो तो वही बोतल हवाई जहाज में 30-35 रुपए की, 40 रुपए की मिलती है। वो जो बोतल हम 30-40 रुपए से लेकर 10-12 रुपए के बीच में खरीदते हैं, वो बोतल पेप्सी कोला की फैक्ट्री में मात्र 70 पैसे में बनती है, 70 पैसे में बनती है। अब आप जरा हिसाब जोड़िए, 70 पैसे की बोतल अगर आपने 12 रुपए में खरीदी तो विदेशी कंपनी को 11 रुपए 30 पैसे मुनाफा आपने दे दिया। वो कंपनी उसमें से 1 रुपए भारत सरकार को टैक्स देती है, 30 पैसे वो विज्ञापन देने पे खर्च करती है, कंपनी का कुल 2 रुपए खर्च होता है, बेचने वाले दुकानदार को और 50 पैसे वो देते हैं तो 2.5 रुपए खर्च होता है। माने 12 रुपए की बोतल को 2.5 रुपए खर्च करके अगर कंपनी ने आपको बेच दिया तो हर एक बोतल पर 9.50 रुपए नेट प्रॉफिट उस कंपनी को मिल जाता है। अब ये कंपनी आई है अमेरिका से,
तो ये 9.50 रुपए जो आपकी जेब से उस कंपनी ने निकाल लिया, वो भारत से अमेरिका चला जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आपने एक बोतल कोका कोला पिया, 9.50 रुपए भारत माता का अमेरिका देश को दिया। आपने एक बोतल कोका कोला या पेप्सी कोला पिया, भारत देश का 9.50 रुपए अमेरिका गया। अब एक बोतल पीने से 9.50 रुपए गया, दो बोतल पियेंगे 19 रुपए अमेरिका गया, तीन बोतल पियेंगे, चार पियेंगे, पांच पियेंगे। एक वर्ष में पेप्सी और कोका कोला की भारत में 700 करोड़ बोतल बिकती है और हर वर्ष में लगभग 6500 करोड़ रुपए भारत से अमेरिका चला जाता है। अब एक वर्ष में 6500 करोड़ गया, दो वर्ष में 13000 करोड़ गया, तीन वर्ष में 19500 करोड़ गया। पेप्सी और कोका कोला की बिक्री इस देश में करीब करीब 15 वर्षों से चल रही है और अब तक इस देश से 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अमेरिका चला गया। हमने विदेशी कंपनियों का पानी पिया और भारत माता का 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अमेरिका को दिया। अब अमेरिका ने क्या किया? ये जो पैसा आपने अमेरिका को दिया, अमेरिका की सरकार इसी पैसे को पाकिस्तान नाम के देश को दान में दे दिया। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती है, भारत और पाकिस्तान की तो दुश्मनी है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती है। अमेरिका पाकिस्तान को हर साल मदद के रूप में दान स्वरूप अरबों डॉलर देता है। हम अमेरिका को पेप्सी कोक पी के लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, अमेरिका उसी में से पाकिस्तान को दान के रूप में पैसा देता है। पाकिस्तान सरकार वही पैसा आतंकवादियों को दान में देती है, आतंकवादी उसी पैसे से बम बनाते हैं और उस बम को लाकर भारत देश में ब्लास्ट करते हैं। हम पेप्सी पीते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, दुर्भाग्य से हम सब भारत माता की पराजय के काम में लगे हुए हैं। मुझे बहुत दुख है, अफसोस है ये कहते हुए कि जो भी भारतवासी पेप्सी और कोक पी रहा है वो भारत माता का सबसे बड़ा दुश्मन है और देश का उतना ही बड़ा गद्दार है जैसे कभी मीर जाफर हुआ करता था 17वीं शताब्दी। और मुझे इससे भी बड़ा दुख है कि जो पेप्सी कोक पी रहे हैं वो कोई साधारण लोग नहीं है, वो सब पढ़े लिखे अच्छे खासे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, यही लोग पेप्सी कोक पी रहे हैं। भारत के गांव के किसान को आज तक मैंने पेप्सी पीते नहीं देखा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए बहुत इंटेलिजेंट है और होशियार है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो जितना ज्यादा पढ़ गया मूर्खता में वो उतना ही ऊंचा चढ़ गया। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट जैसे लोगों को मैं बार बार कहता हूं, भाई ये पेप्सी कोला क्यों पीते हो, क्या जरूरत है? तुमसे अच्छा तो गांव का किसान है, मजदूर है, जो गन्ने का रस पीता है, संतरे का रस पीता है, मौसमी का रस पीता है, नारियल की पानी पीता है, दही की लस्सी पीता है, गाय का दूध पीता है, कुछ नहीं मिलता तो घड़े का सादा पानी पी के अपने संतोष कर लेता है। बिना पढ़ा लिखा मजदूर और किसान इस देश के साथ इतनी देशभक्ति करता है कि देश का एक पैसा भी विदेशी कंपनी को नहीं देता, और पढ़ा लिखा इडियट क्लास का आदमी इस देश का विदेशी कंपनियों को पैसा देता है और कहता है भारत माता की जय। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई क्यों पीते हो पेप्सी कोक, कुछ मजा आता है? कहते नहीं नहीं मजा नहीं आता, फिर भी पीते। ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को मैंने पूछा पेप्सी कोक पीने से क्या होता है, कहते नाक में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, आंख में से आंसू निकल आते हैं, फिर भी मूर्खों के मूर्ख गटागट पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं। बहुत ज्यादा पूछो तो ये पढ़े लिखे लोग पता है क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं ये पेप्सी कोला कोका कोला बेस्ट क्वालिटी, इसलिए हम पीते हैं। फिर उनको पूछो ये बेस्ट क्वालिटी क्यों है, कहते हैं ये अमेरिका से आया है बनके, इसलिए बेस्ट क्वालिटी। ये पढ़े लिखे लोगों को यही समझ में नहीं आता कि अमेरिका से सब चीजें बेस्ट क्वालिटी यहां नहीं आती, जो चीजें अमेरिका में सबसे रद्दी क्वालिटी की मानी जाती है वही यहां आती है। कोई भी देश दुनिया में बेस्ट क्वालिटी किसी दूसरे को नहीं देता खाने पीने को। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूं, आप घर में खीर बनाते हैं पड़ोसी को देके आते बेस्ट क्वालिटी है इसलिए? आप घर में अच्छी से अच्छी खीर बनाते हैं, खुद खाते हैं, पेट भर के खाते हैं और कुछ थोड़ी बच गई फेंकने के लिए तो पड़ोसी को देके आते हैं, ऐसे ही अमेरिका करता है।
अमेरिका जो चीजें बेस्ट क्वालिटी बनाता है उनको पहले खुद खाता है, खुद पीता है, जब उसमें से रद्दी होके बच जाती है डंप करने के लिए तब भारत जैसे देशों को दे दिया जाता है। तो बेस्ट क्वालिटी नहीं है, वो सबसे खराब क्वालिटी है। और क्या क्वालिटी है उसमें? पेप्सी और कोका कोला, जिसको हम पढ़े लिखे लोग बेस्ट क्वालिटी कहते हैं, उसका एक बार हमने प्रयोगशाला में परीक्षण कराया तो प्रयोगशाला में परीक्षण करने से पता चला कि वो दुनिया की सबसे घटिया और रद्दी चीज है पेप्सी और कोका कोला। आप पूछेंगे क्यों? हमारे घर में टॉयलेट साफ करने के लिए जो एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं वही एसिड पेप्सी और कोक में डाला जाता है। और इससे भी ज्यादा खराब बात आप सुनिए कि हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर जिसका नाम हार्पिक, या हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर जिसका नाम फिनाइल, उसमें जितनी मात्रा में एसिड डाला जाता है पेप्सी और कोक में उतनी ही मात्रा में एसिड डाला जाता है। एक बार हमने पेप्सी कोका कोला की जांच की, कैसे? विज्ञान में एक छोटा सा उपकरण आता है, आप में से थोड़ा भी केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। केमिस्ट्री में एक उपकरण होता है उसको पीएच मीटर कहते हैं, किसी भी एसिड की एसिडिटी नापने का वो सबसे सरल उपकरण है, वो पेन के जैसा होता है। और डिजिटल पीएच मीटर आजकल ऐसा आता है उसके बीच में एक मॉनिटर लगा रहता है, उसको जैसे ही आप किसी एसिड में डालो वो तुरंत बता देता है कि इसमें एसिड की मात्रा कितनी है। अब एसिड की मात्रा पता कैसे होती है? पानी में उसको डालोगे आप पीएच मीटर को तो उसकी रीडिंग आती है 7। 7 पीएच माने नॉर्मल होता है। फिर उस पानी में एसिड मिला दो, फिर पीएच मीटर को डालो तो रीडिंग आएगी 6, तो एसिड बढ़ गया। और ज्यादा 5 आ गई रीडिंग तो एसिड और ज्यादा बढ़ गया। 4 आ गई तो भयंकर एसिड हो गया। 3 आ गई तो कंसंट्रेटेड एसिड हो गया। 2.5 के आसपास आ जाए तो सबसे खराब एसिड हो गया। जब मैंने पहली बार पेप्सी कोला में पीएच मीटर डाला और उसको नापा तो उसका वैल्यू आया, उसका कीमत माने उसकी रीडिंग आई 2.4। हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक। फिर मैंने एक दिन क्या किया कि मेरे घर में जो हार्पिक है और फिनाइल है जिससे हम टॉयलेट साफ करते हैं उसमें पीएच मीटर डाला तो उसका भी रीडिंग आया 2.4। मतलब पेप्सी कोक की क्वालिटी हार्पिक की क्वालिटी के बराबर है, माने दोनों एक ही क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। तब मैंने एक दिन सोचा कि हार्पिक से अगर टॉयलेट साफ हो सकता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का पीएच वैल्यू एक ही है। तो एक दिन मैंने मेरी माँ को कहा कि हम एक महीने तक अपना संडा साफ नहीं करेंगे, टॉयलेट साफ नहीं करेंगे, इसको गंदा होने देंगे, फिर इसको पेप्सी से साफ करके देखेंगे। तो मेरी माँ नाराज हो गई, कहने लगी क्या बकवास करता है। मैंने कहा करके देखना है। तो एक महीने हमने हमारा टॉयलेट साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि पीला पीला कचरा उस पर जमा हो गया आधा आधा इंच। फिर मैं एक पेप्सी की बोतल लाया, कोका कोला की बोतल लाया, दोनों को मिक्स करके मैंने टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया और 2 मिनट के बाद पानी से फ्लश किया, टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ। उस दिन से हमने एक विज्ञापन करना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बड़ा अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग ठंडा मतलब कोका कोला कहके जिसको घटाघट पी लेते हैं उसकी क्वालिटी टॉयलेट क्लीनर के बराबर है। और मुझे बहुत अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग इस टॉयलेट क्लीनर को पीते रहते हैं, और अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही टॉयलेट साफ करने वाला पानी पिलाते रहते हैं, और कुछ अतिथि ऐसे घर में आते हैं जो घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। और दुख यही है, अकेले पी नहीं रहे हैं, पड़ोसियों को पिला रहे हैं, गेस्ट को पिला रहे हैं, और देश का पैसा अमेरिका को देते जा रहे हैं, अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों को, आतंकवादी भारत में ब्लास्ट कर रहे हैं, और फिर हम रो रहे हैं कि देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। वो तो बढ़ने ही वाला है, अगर आप पेप्सी कोक पीते रहेंगे तो भारत में आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पेप्सी कोक का पैसा अमेरिका जाता रहेगा, अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को देता रहेगा, पाकिस्तान आतंकवादियों को देता रहेगा, तो आतंकवाद तो बढ़ने ही वाला है। इसलिए मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप चाहते हैं कि आतंकवाद इस देश से खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश ना रचे, तो पाकिस्तान को पैसा मिलना बंद होना चाहिए, तो उसके लिए अमेरिका को पैसा जाना बंद होना चाहिए, तो उसके लिए पेप्सी और कोक पीना आपको बंद करना चाहिए और दूसरों को बंद कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
जिस दिन आप अपने जीवन में ये संकल्प लेंगे कि हम आज से पेप्सी कोक नहीं पिएंगे और दूसरों को नहीं पीने देंगे, उसी दिन आप संपूर्ण भारतीयता के सिद्धांत का अपने जीवन में पालन करना शुरू कर देंगे। यहाँ से भारतीयता की शुरुआत होगी। आप बोलेंगे तो पेप्सी कोक नहीं पीना तो क्या पीना। मैं एक दो और छोटी बातें बताता हूँ। मैंने एक बार मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक प्रयोग किया था। मेरा एक दांत टूट गया था, वो अभी भी टूटा हुआ है। मैंने वो टूटा हुआ दांत कोका कोला की बोतल में डाल दिया था। 15 दिन में वो पूरा दांत गायब हो गया था। आप जानते हैं मनुष्य का दांत इतनी मजबूत होता है कि वो कभी गायब नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, हम उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं ना, सारा शरीर जल जाता है, दांत किसी के नहीं जलते। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मुस्लिम पद्धति से उसको जमीन में खड्डा खोद के दफन करें, 10 साल के बाद खड्डे को वापस खोदें, तो शरीर नहीं निकलता, सिर्फ दांत निकलते हैं। माने दांत किसी के खत्म नहीं होते। आपने सुना होगा कि करोड़ों साल पहले एक प्राणी हुआ करता था, उसका नाम था डायनासोर। डायनासोर मर गया है, खत्म हो गया है, लेकिन डायनासोर के दांत अभी तक रखे हुए हैं 3.5 करोड़ साल के बाद भी अमेरिका में म्यूजियम में। माने दांत नहीं मरते, दांत खत्म नहीं होते, लेकिन उस दांत को पेप्सी और कोक में डाल दो तो हमेशा के लिए दांत गल जाते हैं। कितना खतरनाक केमिकल है पेप्सी और कोक में, आप सोचिए। और जब प्रयोगशाला का परीक्षण हमने करवाया तो पता चला पेप्सी और कोक में 14 तरह के रसायन मिलाते हैं। एक है फॉस्फोरिक एसिड, एक है सोडियम मोनोग्लूटामेट, एक है सोडियम बेंजोएट, एक है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, फिर एक है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, फिर एक है मिथाइल बेंजीन, फिर एक है मेथिल बेंजोएट। ये सब खतरनाक केमिकल हैं जो कैंसर पैदा करने वाले। दुनिया के वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध की है कि बार बार पेप्सी और कोक पियेंगे तो कैंसर होने की संभावना है। बार बार पेप्सी कोक पियेंगे तो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया होने की संभावना है। हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि कभी भी टूट सकती हैं। बार बार पेप्सी कोक पियेंगे तो मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि उसमें हैवी कैलोरी है, बहुत ज्यादा शुगर है। शुगर से भी ज्यादा खतरनाक केमिकल उसमें डालते हैं, उसका नाम है एस्पर्टेम, जो मूत्र नली के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। पहले तो पेप्सी कोक में शुगर मिलाते थे, आजकल एस्पर्टेम डालते हैं जो सीधे मूत्र नली का कैंसर करता है। कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है बंदरों पर। आप जानते हैं बंदर मनुष्य के नजदीक होता है, तो बंदरों को पेप्सी पिला के देखा गया, वो पीते नहीं है। जबरदस्ती बंदर को पेप्सी डाला गया इंट्रावीनस इंजेक्शन की मदद से उसके ब्लड में, तो 1.5 से 2 घंटे में पेप्सी डालने के बाद बंदरों की मौत हो गई। बंदर के बारे में कहा जाता है कि जल्दी बीमार नहीं पड़ता, जल्दी मरता नहीं है। उसका ब्लड जो है ना, दुनिया में आइडियल माना जाता है। इसलिए आदमी के ब्लड का कंपैरिजन बंदर के ब्लड के साथ किया जाता है, लेकिन पेप्सी कोक पिला दो तो उसका ब्लड भी खराब हो जाता है। इतना खतरनाक पेप्सी कोक है, और हमारे देश के पढ़े लिखे लोग इसको बेस्ट क्वालिटी कहकर पी रहे हैं। देश का 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मुझे आपसे विनम्रता पूर्वक एक ही बात कहनी है, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने जिले में तो पहला कदम ये उठाएं कि आज के बाद आप में से कोई पेप्सी कोक पिएगा नहीं, किसी को पीने के लिए कोई ऑफर करेगा नहीं। किसी ने मुफ्त में भी आपको ऑफर कर दिया तो विनम्रता पूर्वक उसको वापस करेंगे, क्योंकि हम सच में भारत माता की जय कराना चाहते हैं, हम भारत माता की पराजय होते हुए नहीं देखना चाहते। आप नहीं पिएंगे, किसी को पिलाएंगे नहीं। अब इसके आगे का विकल्प क्या? आप बोलेंगे जी फिर पेप्सी कोक ना पिए तो क्या पिए? गन्ने का रस पीजिए, शुगर केन जूस, संतरे का रस पीजिए, मौसमी का रस पीजिए, अनार का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, आम का रस पीजिए, कोई भी रस पीजिए, ताजा फलों का रस पीजिए, अनन्नास का रस पीजिए। कुछ नहीं मिलता तो गाय का दूध, दही की लस्सी, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, कुछ नहीं मिले तो सादा पानी पीजिए। एक दिन मैंने कैलकुलेशन किया कि थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए सारे भारतवासी पेप्सी कोक पीना बंद कर दें, एक साल में लगभग भारत का 7000 करोड़ रुपए बचेगा। उतने ही रुपए से अगर हम गन्ने का रस पीना शुरू कर दें तो ये 7000 करोड़ रुपए हर साल हमारे किसानों को मिलेगा, और एक साल में 7000 करोड़ रुपए गन्ना पैदा करने वाले किसानों को मिलने लगे तो गन्ना पैदा करने वाला हर किसान 5 साल में लखपति और करोड़पति हो जाएगा। वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा और इस देश की सरकार के ऊपर कभी बोझा नहीं बनेगा। गन्ना किसानों को उनका भाव नहीं मिल रहा है। क्यों? गन्ना पैदा करना, उसको चीनी मिलों को देना, चीनी मिल उसका पेमेंट नहीं करते, 6-6 महीने पेमेंट नहीं होता, बराबर भाव नहीं देते। अगर इस पूरी क्राइसिस से गन्ना किसानों को बचाना हो तो सारे भारतवासी पेप्सी को बंद करके गन्ने का रस पीना शुरू करें। गांव गांव में गन्ने का रस बिकने लगे तो गन्ना जो किसानों को बेचना पड़ता है मजबूरी में चीनी मिलों को,
वो गन्ना सीधा सीधा रस पीने वालों के शरीर में, पेट में जाके कैल्शियम बढ़ा सकता है, आयरन बढ़ा सकता है, विटामिन दे सकता है और किसानों को हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा दे सकता है। ऐसी एक उदाहरण ले लें कि अगर सारे भारतवासी पेप्सी कोक पीना बंद कर दें और उतने ही रुपए से नारियल का पानी पीने लगे, 8,000-7,000 करोड़ का नारियल बिकने लगे, और हर साल तो 10 साल में भारत में नारियल पैदा करने वाले दक्षिण और पूर्वी भारत का एक एक किसान लखपति और करोड़पति हो सकता है। माने भारत की गरीबी दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं, स्वदेशी और भारतीयता का सिद्धांत अपने जीवन में अपना सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमें संकल्प करना है कि शून्य तकनीकी से बनी हुई कोई भी विदेशी वस्तु नहीं लेनी है, पेप्सी कोका कोला से शुरुआत करें। मेरा दूसरा निवेदन है कि जैसे पेप्सी कोक दो विदेशी कंपनियां, ऐसी 5,000 कंपनियां हैं, उनमें से कुछ और कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट बेचती हैं, उनको भी बहिष्कार करिए। जैसे कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फोरहंस, ये सारी विदेशी कंपनियां, इनका पेस्ट आप बाजार में खरीदते हैं ना, 30 रुपए का 100 ग्राम आता है, 300 रुपए किलो। गाय का घी खरीदो तो 150 रुपए किलो आता है, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो आता है, गाय के घी से 2 गुना महंगा है। पढ़े लिखे लोग बहुत टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, गाय का घी नहीं खाते, 150 रुपए किलो, 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में लगा के वॉश बेसिन में थूकते रहते और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि दिन में 3-3 बार थूकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करते हैं, थूकते हैं, फिर लंच के बाद फिर थूकते हैं, फिर रात को डिनर के बाद फिर थूकते हैं। पढ़े लिखे लोगों को मैं कहता हूँ ये क्यों करते हो पेस्ट इतना, कहते हैं जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी, क्या है इसमें क्वालिटी, कहते हैं झाग बहुत बनता है इसमें, फोम बहुत बनता है। तो मैं कहता हूँ फोम तो एरियल में भी बनता है, फोम तो डिटर्जेंट पाउडर में भी बनता है, फोम तो शेविंग क्रीम में सबसे ज्यादा बनता है, फोम तो शैम्पू में सबसे ज्यादा बनता है, तो आप शैम्पू से ही दांत साफ क्यों नहीं करते, शेविंग क्रीम क्यों नहीं लगा लेते अपने दांतों में। आपको क्वालिटी चाहिए, अगर फोम ही लेना है तो फोम तो एरियल में है, रिन में है, व्हील में है, सब में है। तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं आप ही बताओ क्या क्वालिटी है। मैं कहता हूँ भैया टूथपेस्ट की क्वालिटी ये होती है कि उसमें मिलाया हुआ क्या है। ये कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये जितने भी टूथपेस्ट आप बाजार से खरीदते हैं विदेशी कंपनियों के, इनमें केमिकल मिलाते हैं जो फोम पैदा करता है, उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। आप एक छोटा सा काम करना, किसी एक हायर सेकेंडरी स्कूल में चले जाना या किसी डिग्री कॉलेज में चले जाना जहां केमिस्ट्री पढ़ाई जाती हो, केमिस्ट्री के किसी लेक्चरर से मिल लेना और उनसे कहना कि केमिस्ट्री की डिक्शनरी दे दो। हर स्कूल कॉलेज में केमिस्ट्री की डिक्शनरी होती है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी ना वैसे केमिस्ट्री की डिक्शनरी। केमिस्ट्री की डिक्शनरी खोलना और उसमें यह शब्द पढ़ना सोडियम लॉरेल सल्फेट, उसके सामने लिखा हुआ है पॉइजन, जहर है वो, और कैंसरस है, कार्सिनोजेनिक है। केमिस्ट्री की डिक्शनरी में जब सोडियम लॉरेल सल्फेट को आप पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ कार्सिनोजेनिक पॉइजन, माने कैंसर करने वाला जहर, वो डाला जाता है कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट जैसे टूथपेस्ट में। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोप में ये जो कॉलगेट बिकता है ना, क्लोजअप वगैरह, तो वहां भी डालते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, लेकिन वहां के कानून इतने सख्त हैं कि जिस टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट डाल दिया उसके रैपर पर चेतावनी लिखनी पड़ती है, वैसे ही जैसे भारत में सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है। आपने देखा भारत में सिगरेट पैकेट पे लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अमेरिका में कॉलगेट के रैपर पर ये लिखा रहता है कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ब्रिटेन में कॉलगेट के रैपर पर लिखा रहता है कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में कॉलगेट के रैपर पे क्या लिखा रहता है मैं आपको वैसे का वैसे ही सुनाता हूं अंग्रेजी में, फिर उसका हिंदी बताऊंगा। उसमें लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, मतलब 6 साल से छोटे बच्चे को ये कॉलगेट कभी नहीं देना। क्यों? छोटे बच्चे कॉलगेट को चाट लेते हैं और कॉलगेट में केमिकल है जो कैंसर करता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो बच्चे की मृत्यु हो सकती है कैंसर से। इसलिए अमेरिका, यूरोप के देशों में कॉलगेट के रैपर पर लिखा होता है प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। दूसरा वाक्य लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से किसी बच्चे ने कॉलगेट कर लिया तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना। क्यों? क्योंकि जहर खा लिया उसने। और तीसरा वाक्य लिखा होता है इफ यू आर ए एडल्ट
देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज एट योर ओन रिस्क। अगर आप बड़े आदमी हैं, 18 साल से बड़े हैं, तो अपने ब्रश पर कॉलगेट की बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा लेना, चने और मटर के दाने से भी आधा इतना ही कॉलगेट लेना, क्योंकि ये कैंसरस है। अब अमेरिका यूरोप में ये चेतावनी लिखी जाती है, कॉलगेट के बारे में भारत में ऐसी कोई चेतावनी वो नहीं लिखते। भारत में तो उल्टा है, विज्ञापन जब आता है ना कॉलगेट का, तो दिखाते हैं ब्रश भर भर के लेना, ताकि मरो तो जल्दी मरना। इतना बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है ये कॉलगेट का। तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जैसे आपने संकल्प लिया पेप्सी कोक नहीं पिएंगे, दूसरा संकल्प लीजिए कि ये विदेशी कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट सिबाका फॉरेंस भी नहीं करेंगे। तो अब आप बोलेंगे फिर क्या करें, अपने पतंजलि योगपीठ का बहुत अच्छा टूथपेस्ट अभी आया है दंत कांति, उसे कर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ का एक बहुत अच्छा दंत मंजन है, उसे आप कर सकते हैं। अगर आप पतंजलि योगपीठ का दंत मंजन या दंत क्रांति खरीदते हैं, तो उसका पैसा आप पतंजलि योगपीठ को देते हैं, जो भारत स्वाभिमान के काम में आने वाला है। अगर आप कॉलगेट क्लोजअप खरीदते हैं, तो वो पैसा अमेरिका को देंगे, जो आतंकवादियों के काम आने वाला है। आपको तय करना है आपको क्या करना। मेरी तो आपको रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप दंत कांति खरीदें या दंत मंजन खरीदें, या कोई और स्थानीय स्वदेशी दंत मंजन खरीदें, नहीं तो नीम का दातुन करें, बबूल का दातुन करें, कोई भी ऐसा काम करें जिससे भारत का पैसा अमेरिका ना जाए। स्वदेशी दंत मंजन, स्वदेशी जैसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करके भारत का पैसा बचाएं। और एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर सारे लोग कॉलगेट क्लोजअप खरीदना बंद कर दें, हजारों करोड़ रुपए देश का बचे। उतने ही रुपए का अगर हम दंत मंजन खरीदें, लाखों लोगों को दंत मंजन बनाने का रोजगार हम दे सकते हैं इस देश को। तो रोजगार बढ़ता है, गरीबी दूर होती है, अपने देश के पैसे की बचत होती है, और हम स्वदेशी और भारतीयता के सिद्धांत का पालन करते हैं। यहाँ से आपके जीवन को शुरू करें। ऐसी एक छोटी सी बात कह के मैं खत्म करूंगा कि ये आपको एक पुस्तक दी गई होगी, जीवन दर्शन, आपके बैग में होनी चाहिए ये पुस्तक, अगर नहीं है तो जरूर ले लीजिएगा। इस पुस्तक में सबसे पीछे पेज नंबर 115 है। इस 115 नंबर के पेज पर एक सूची दी गई है, उस सूची में लिखा हुआ है क्या क्या वस्तुएं स्वदेशी हैं, क्या क्या वस्तुएं विदेशी हैं। जब भी आप बाजार जाएं, तो इस पुस्तक को खोलिए, जीवन दर्शन को पेज नंबर 115 पढ़िए। इसमें जो जो स्वदेशी वस्तुओं के नाम लिखे हैं और उनकी जानकारियां दी गई हैं, वही वस्तुएं खरीद कर अब आप अपने जीवन में लाइए, विदेशी वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार करिए। इससे क्या होगा, देश का हम एक साल में 2,32,000 करोड़ रुपए बचा सकेंगे, और 5,000 विदेशी कंपनियों को सरकारों ने जो लाइसेंस दिया है, इन कंपनियों को सरकारों ने तो बुला लिया, हम इनको हिंदुस्तान से वैसे ही भगा देंगे जैसे हमने अंग्रेजों को भगाया था। सरकार भले इनको बुलाती रहे, हम इनका बहिष्कार करके इनको भगा दें। मेरी आपसे एक ही विनती है, वो ये कि कभी भी विदेशी वस्तुओं में क्वालिटी देखने की कोशिश ना करें, कोई क्वालिटी उनमें होती नहीं, उनमें सिर्फ विज्ञापन होता है। और जिन वस्तुओं में विज्ञापन होता है उनमें क्वालिटी नहीं होती है, और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता है। आपने कभी देखा गाय के घी का विज्ञापन होता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी होती है। डालडा का विज्ञापन बार बार होता है, क्योंकि क्वालिटी नहीं होती। गाय के दूध का विज्ञापन नहीं करना पड़ता, डेयरी के पैकेट वाले दूध का बिना विज्ञापन किए वो बिकता नहीं है। माँ के हाथ की बनाई हुई रोटी को विज्ञापन नहीं लगता, लेकिन डबल रोटी और पाव रोटी बिना विज्ञापन के नहीं बिकती है। माने जो चीज जितनी रद्दी होगी क्वालिटी में, उसका विज्ञापन उतना ज्यादा ही होगा। मैं बहनों से, माताओं से एक विनती करना चाहता हूं, एक विदेशी क्रीम का बहुत विज्ञापन आता है इस देश में, फेयर एंड लवली, गोरेपन की क्रीम। अक्सर मैंने लोगों को पूछा है आप क्यों खरीदते हैं फेयर एंड लवली, तो कहते हैं जी गोरापन आता है इससे। हमने फेयर एंड लवली को 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया, वो अभी भी काली की काली है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से मेरे जीवन की एक व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था पढ़ाई करते समय, वो तमिलनाडु का रहने वाला है, चिक्कट काला है। आपके घर में तवा होता है ना रोटी बनाने वाला, उसको उल्टा कर दो, इतना काला मेरा दोस्त है। हम दोनों 7 साल हॉस्टल में रहे, हम दोनों रूम पार्टनर थे, एक ही कमरे में मैं और वो दोनों साथ में रहते थे। 7 साल मैंने देखा कि वो बराबर दिन में 3 बार फेयर एंड लवली लगाता था, अभी भी चिक्कट काला का काला ही है। एक दिन मैंने उसको कहा, भैया इतने साल तो हो गए फेयर एंड लवली लगाते लगाते, तू गोरा तो हुआ नहीं।
पैसे इतने खर्च हो गए, तो एक दिन उसको गुस्सा आ गया, उसने फेयर एंड लवली कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा कर दिया मद्रास की अदालत में। अब मजेदार बात क्या हुई कि जिस अदालत में मुकदमा हुआ उस अदालत के जज ने एक टिप्पणी की कि उसके घर में भी यही समस्या है। फिर क्या हुआ, जज ने नोटिस दिया, कंपनी के वकील आ गए, जज ने कंपनी के वकीलों को कहा कि आप ये सिद्ध करिए कि फेयर एंड लवली लगाने से कोई भी काला आदमी गोरा कैसे होता है। तो कंपनी के वकीलों ने कहा इस क्रीम से कोई काला गोरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो काले को गोरा बनाए, जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। तो फिर जज ने पूछा आप ये झूठा विज्ञापन क्यों करते हैं, तो उसके वकीलों ने कहा कि भारत सरकार ने हमको लाइसेंस दिया है झूठ बोलने का, इसलिए हम ये झूठा विज्ञापन करते हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा मजेदार बात यह हुई कि इसकी चर्चा बहुत हो गई, तो कंपनी ने विज्ञापन देना शुरू किया फेयर एंड लवली नॉट फॉर सेल इन तमिलनाडु, क्योंकि मुकदमे का जो दायरा था ना वो तमिलनाडु तक था। अब तमिलनाडु में तो बहुत कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई काला गोरा हो नहीं रहा है, तो आप भी क्यों खरीद रहे हैं उस फेयर एंड लवली को, कोई काला गोरा हो नहीं सकता। अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो अफ्रीकी लोग तो सबसे पहले होते अभी। ये फेयर एंड लवली जो बनती है ना, ये कुछ नहीं है, एक टैलो नाम का केमिकल होता है, एक तरह का रासायनिक पदार्थ है जो मरे हुए जानवरों की चर्बी में से निकाला जाता है, उससे ये क्रीम बनती है, उसको आप चेहरे पर पोतते हैं और सोचते हैं हम बहुत सुंदर हो रहे हैं। और ये महंगी कितनी है, 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की है, 100 ग्राम 160 रुपए की है, 1 किलो 1600 रुपए की है। 1600 रुपए किलो की क्रीम चेहरे पर लगाएं उससे अच्छा है 300 रुपए किलो बादाम खाएं। 1600 रुपए किलो की क्रीम चेहरे पर लगाएं उससे अच्छा 200 रुपए किलो देसी घी खाएं। 1600 रुपए किलो की क्रीम चेहरे पर लगाएं उससे अच्छा 400 रुपए किलो कुछ काजू किशमिश मुनक्के आदि खाएं, तो जरूर कुछ फायदा होगा। इस फेयर एंड लवली को आप 1 किलो लगा लो या 1000 किलो, आप काले हैं तो काले ही रहने वाले हैं, क्योंकि आज तक दुनिया में काले को गोरा बनाने की कोई केमिकल ईजाद नहीं हुई है। और मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि शरीर का कुछ भी बदल सकता है, त्वचा का रंग नहीं बदलता। जन्म से आपकी त्वचा का जो रंग तय हो जाता है आपके माता पिता के डीएनए के साथ फिक्स हो जाता, वही जिंदगी भर रहेगा। तो फालतू में ये फेयर एंड लवली लगाना क्यों? तो आप बोलेंगे फिर क्या करें, कोई क्रीम मत लगाइए, आप जैसे हैं बहुत सुंदर हैं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि क्रीम लगाने से स्मार्टनेस आती है। हमारे भारत में स्मार्टनेस गुण कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक से नहीं आती। जिनके गुण कर्म स्वभाव अच्छे हैं वो सबसे अच्छे हैं, ये बात वो अपने जीवन में गांठ बांध लें, और इसी बात से उनका और भारत स्वाभिमान का भला होने वाला है। सिर्फ एक बात कह के फिर खत्म करूंगा अपनी बात को, संपूर्ण स्वदेशी और भारतीयता का आग्रह जो आप अपने जीवन में शुरू करेंगे वो यहाँ से, कि कोई विदेशी वस्तु अपने घर में कभी भी खरीद के नहीं लाएंगे, कम से कम शून्य तकनीकी की कोई विदेशी वस्तु नहीं लाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई विदेशी वस्तु हमने खरीद ली तो उसको भूल जाइए, क्योंकि वो पैसा तो चला गया, अब उसको फेंक देने से भी कोई फायदा नहीं है। भविष्य में कोई नई विदेशी वस्तु मत खरीदिए। फिर आप पूछेंगे क्या भारत में सभी स्वदेशी वस्तुएं बनती हैं? हाँ, भारत में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जो स्वदेशी ना बनती हो, हर वस्तु भारत में स्वदेशी बनती है। आपको कंप्यूटर चाहिए तो भारत में बनते हैं, HCL नाम की एक बहुत बड़ी स्वदेशी कंपनी है, विप्रो नाम की एक बहुत बड़ी स्वदेशी कंपनी है, दोनों स्वदेशी कंपनियां बेस्ट क्वालिटी कंप्यूटर बनाती हैं, वो आप खरीद सकते हैं। टेलीविजन बनाने वाली बीसियों स्वदेशी कंपनियां इस देश में हैं, इसी तरह से रेडियो बनाने वाली बीसियों स्वदेशी कंपनियां इस देश में हैं। कोई भी ऐसी वस्तु है नहीं, अब तो आपको हैरानी होगी जानकर, भारत में सुपर कंप्यूटर भी स्वदेशी बनता है, और हमारे वैज्ञानिकों ने बना के सारी दुनिया के सामने सिद्ध किया है। हम स्वदेशी रॉकेट बनाते हैं, हम स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम स्वदेशी सैटेलाइट बना के अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं, दूसरे देशों के सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं, हमारे देश के वैज्ञानिकों के बने हुए सैटेलाइट चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं। जो देश सुपर कंप्यूटर बना सकता है, सैटेलाइट बना सकता है, क्रायोजेनिक इंजन बना सकता है, वो देश आलू का चिप्स भी बना सकता है, टमाटर की चटनी भी बना सकता है, आम का अचार भी बना सकता है, साबुन मंजन वॉशिंग पाउडर भी बना सकता है। बस आत्मविश्वास की जरूरत है, और वो आत्मविश्वास हम में आना बहुत जरूरी है, और वो आत्मविश्वास के लिए पहला कदम अपने जीवन में स्वदेशी की स्थापना से शुरू होगा। आप अपने जीवन में एक संकल्प करें कि हम भारतीय हैं और भारतीय वस्तुओं का ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। हम भारतीय हैं,
भारतीय परंपराओं का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, भारतीय भाषाओं का, भारतीय भोजन का, भारतीय औषधियों का ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में उपयोग करेंगे। विदेशी वस्तुओं का, विदेशी औषधियों का उपयोग नहीं करेंगे। विदेशी औषधियों का मतलब है एलोपैथी की दवाएं जो अक्सर बाहर से आ रही हैं और जिनको बेचकर विदेशी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए कमा रही हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी, जिन दवाओं को वो कंपनियां अपने देश में नहीं बेचती उनको भारत में लाकर बेच देती। दुनिया के देशों में हजारों दवाएं 20 साल से बंद हैं, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बैरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीविन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवालजिन, एनालजिन, ऐसी 84,000 से ज्यादा दवाएं जो भारत में बिक रही हैं, इनमें सिर्फ 350 दवाएं हमारे काम की हैं, बाकी सब दवाएं बेकार हैं। जबरदस्ती विज्ञापन करके ये दवाएं बेची जा रही हैं और हम इन दवाओं को खाकर ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टरों की जेब ज्यादा गर्म हो रही है और पूरा का पूरा एलोपैथी का बजट 7,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर इस देश का पहुंच गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये एलोपैथी की विदेशी दवाएं बिल्कुल ना खाएं। तो आप बोलेंगे जी बीमार पड़े तो क्या करें, आयुर्वेद की दवा खाएं, और बीमारी ना पड़े योग करें, प्राणायाम करें नियमित रूप से तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। अगर योग प्राणायाम नियमित है और आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो दवा खाने की जरूरत नहीं है। और जो गलती से कभी थोड़ी बहुत बीमारी आ गई तो आयुर्वेद की दवाएं अपने रसोई में है, तुलसी है, हल्दी है, जीरा है, धनिया है, काली मिर्च है, हमारे पास सेंधा नमक है, गाय का घी है, ऐसी ऐसी सैकड़ों दवाएं हमारे रसोई घर में हैं जो आयुर्वेद में है। जड़ी बूटी रहस्य नाम की पुस्तक अगर आपने पढ़ी है तो उसमें बहुत सारी दवाओं का उल्लेख है जो हमारे रसोई घर में ही उपलब्ध है। हम उनका उपयोग करके अपना लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं और फालतू का खर्चा इस देश में जो बर्बाद हो रहा है उसे भी रोक सकते हैं। तो आप हर स्तर पर स्वदेशी बनने की कोशिश करें और अपने परिवार के हर व्यक्ति को स्वदेशी बनाने की कोशिश करें। कोई 1% स्वदेशी हो, कोई 2%, कोई 5%, कोई 10%, कोई 20%, जिसकी जितनी शक्ति और क्षमता है वो उतना स्वदेशी बनने की कोशिश करे। इसमें ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई व्यक्ति स्वदेशी हो जाएगा 100%, इसमें समय लगेगा, लेकिन प्रयास हमारा ईमानदारी के साथ उस दिशा में रहेगा तो आज नहीं तो कल हम 100% स्वदेशी हो ही जाएंगे और इस देश में करोड़ों लोगों का रोजगार बढ़ाएंगे और लाखों करोड़ों रुपए की बचत करेंगे। एक दिन मैंने छोटा सा कैलकुलेशन किया था कि सारी वस्तुएं अगर हम स्वदेशी उपयोग करने लगे, जैसे मैं एक ही उदाहरण से कहता हूं, आप में से बहुत सारे भाई बहन आसाम के होंगे, अरुणाचल के होंगे, मणिपुर के होंगे और उत्तर पूर्व के राज्यों के होंगे। वहां मैंने देखा घर घर में कपड़ा बनता है। आसाम में तो एक भी घर मैंने नहीं देखा जहां कपड़ा बनाने के लिए वो हैंडलूम लोगों ने नहीं लगा रखा हो। अरुणाचल में मैंने देखा हर घर में हैंडलूम है। तो आप ये कपड़ा बनाते हैं। मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया कि हम विदेशी कंपनियों के बने हुए तौलिए खरीदें, उसके स्थान पर आसाम और आसाम के पड़ोसी राज्यों के लोगों के हथकरघे पर बनाया हुआ तौलिया खरीदें तो 15 करोड़ लोगों को हम इस देश में रोजगार दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी बात, अगर हम विदेशियों के तौलिए खरीदना बंद कर दें और ये अंगवस्त्रम पूरे देश में बिकने लगे 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को काम मिलता है। इसी तरह हाथ की बनाई हुई खादी पहनने लगे, खादी खरीदने लगे तो हिंदुस्तान के कम 60 से 65 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। कॉटन हिंदुस्तान में, भारत में 3,00,000 गांव में पैदा होता है। जहां जहां कॉटन पैदा होता है वहां वहां खादी के कपड़े बन सकते हैं, हर गांव में खादी के कपड़े बन सकते हैं। 65 करोड़ लोगों को रोजगार देकर हम बेकारी खत्म कर सकते हैं देश। तो आप सूती कपड़े खरीदें, खादी के कपड़े खरीदें, हाथ के बने हुए वस्त्र खरीदें, इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और दूसरों को प्रेरित करें तो देश की गरीबी बेकारी खत्म होती है। अपने घर में काम आने वाली हर वस्तु स्वदेशी खरीदें तो और ज्यादा लोगों की समृद्धि बढ़ती है। तो भारत को गरीबी से मुक्त करना है, क्योंकि 84 करोड़ लोग इस देश में भयंकर गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि वो एक दिन में 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। इन 84 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है, भारत के हर नागरिक को स्वदेशी और भारतीयता का व्रत लेना पड़ेगा, अपने जीवन में इसको धर्म की तरह से पालन करना पड़ेगा, तब 84 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की स्थिति बनेगी। और जब उनको रोजगार मिल जाएगा तो गरीबी मिट जाएगी। बेकारी और गरीबी दोनों मिट जाएं तो हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा समस्याओं का, भारत की आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये समाधान भारत स्वाभिमान करेगा और हम सब भारत स्वाभिमान के सेनानी परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में इस अभियान में लगें, आगे बढ़ें और ईश्वर हमारी पूरी मदद करे, हमें सफलता मिले। इस भावना के साथ आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।